सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सत्य अपने जगह स्थित अटूट है और उसे हम बदल नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बुद्धि से परे है। इसलिए हमें बुद्धि से परे उठना है, क्योंकि इस मानव चेतना से हम उसे नहीं जान सकते। और सब धर्मों में यही कहा गया है कि आपका पुनर्जन्म होना जरूरी है, लेकिन किसी न किसी कर्मकांड आडंबर में हम लोगों को धर्म मार्तंडों ने फंसा दिया। और धर्म मार्तंड भी सिर्फ यही चाहते थे कि वो भगवान के नाम पर पैसा बनाए या तो सत्ताधीश हो जाए, और हर चीज इसी दृष्टि से विचार में लाई गई कि कौन कौन से तरीके से हम अपनी इच्छा की पूर्ति कर लें। और सर्व जन्स के लिए, जन समुदाय के लिए ये समझना मुश्किल था कि ये लोग सही कहते हैं या गलत कहते हैं। उन्होंने कह दिया ये करो तो वही करने लगे। जैसे आज का एक आधुनिक उदाहरण मैं आपसे बताऊं कि मैं देखती हूँ बहुत से औरतें संतोषी माँ का उपवास करते हैं शुक्रवार, और उनकी सबकी तबीयत खराब। तो मैंने पूछा आप किसी गुरु के पास गए थे? नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इनका तो ऐसा ही हाल है जैसे किसी गुरु ने इनको मंत्रमुग्ध कर दिया। कहने लगे फिर हम तो सिर्फ संतोषी माँ को मानते थे और शुक्रवार का उपवास करते। ये सिनेमा वालों ने संतोषी माँ बनाई, फिल्म वालों। अब ये फिल्म वाले क्या कोई देवी बना सकते हैं क्या? और लगे उसी के पीछे में, जो स्वयं संतोष का स्रोत है वो कैसे संतोषी हो सकते? तो संतोषी है स्वयं, जो संतोष है वो संतोषी कैसे हो सकते? इस प्रकार की नानाविध चीजें, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब लोग, किसी भी धर्म के हो, सिख धर्म के हो, सब में ये चीजें एक तरह से आ गई है। और इसलिए जो चीज असल है वो तो छूट गई, नकल की चीजों पे हम लोग बैठ गए। आज ही कोई साहब बता रहे थे कि कुंभ के मेले में हजारों लोग मर गए। हजारों सदियों से कुंभ का मेला होता है, और ऐसा शास्त्र में कहीं कहा गया है कि जिस वक्त ये समय आता है उस समय सरस्वती का पात्र खुल जाता है और उसमें नहाने से पाप धुल जाते। पर हिंदुस्तान में देखते हुए तो पाप कुछ घटे तो नहीं, बढ़ ही गए हैं, घटने की तो बात दूर है। तब फिर शंका होने लग जाती है धर्म पे कि धर्म क्या चीज, ये तो सब एक तमाशा है, ढकोसला। कोई भी धर्म गलत नहीं, कोई भी अवतरण गलत नहीं है, कोई भी संत साधु दृष्टा योगी गलत नहीं। गलत तो वो लोग हैं जो इनको अपने हाथ में लेते हैं और धर्म को बेच रहे हैं। ये सब धर्म कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता के लिए लड़े और चाहे वो पैसों के लिए। जी सबे इस सत्ता के खोज में न जाने कितने युद्ध हो गए भगवान के नाम पर, न जाने कितने हजारों मर गए। लेकिन अब आप लोग नोएडा में, मैं देखती हूँ बहुत से लोग सहयोग में उतर आए, और जो लोग सहज में उतर आए हैं वो तो सभी धर्मों को मानने लगे, और अगर नहीं मानते हैं तो मानना पड़ेगा, सब अवतरणों की पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो अभी आप सहज में परिपक्व नहीं हुए। क्योंकि हम तो विश्व धर्म में विश्वास करते हैं जिसमें सारे ही संसार के धर्म समाहित है, सबको जोड़ने की बात है, तोड़ने की नहीं। कोई अगर ये सोच ले कि मैंने सब कुछ पा लिया और अब मैं इस धर्म में आ गया तो बाकी के सारे धर्म खाली और मेरे अच्छे, तो ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर है। क्योंकि आप कोई भी धर्म पे हो, आप हर तरह का पाप करते हैं और कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन सहयोग में आने के बाद भी, कल काफी लोगों ने मुझसे कहा कि माँ मैं सहयोग में आया तो भी मेरा ये नहीं ठीक हुआ, किसी ने कहा वो नहीं ठीक हुआ, तो सहयोग में घटित क्या?
इसमें कुछ घटना है। सहयोग में कोई अपने सर पे मैं सहयोगी कोई भी लगा ले, उसमें कोई मना तो नहीं कर सकता, कोई भी अपने सहयोगी कह ले, पर वो सहयोगी नहीं हो। सहज योग में सहज योगी बनना पड़ता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनना पड़ता है, जब तक वो घटित नहीं हुआ वो जब तक बना नहीं तो सहयोगी नहीं, जब वो घटित हो जाता है तो वो समर्थ हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो जाती हैं, वो सबको ही जागृति दे सकता है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है, सारे ज्ञान का वो भंडार बन जाता है। उसकी सारी त्रुटियां खत्म होकर के वो एक परिपक्व इंसान, इसका मस्तिष्क बहुत प्रगल्भ मैच्योर ऐसा बन जाता है, जिनका वर्णन हमने गीता में स्थित प्रज्ञ पाया, कुरान में वली कहा गए, नानक साहब ने खालिस कहा और बुद्ध ने उसको बुद्ध कहा। हर धर्म में ऐसे योगी का, जिसे कि हम कह सकते हैं कि प्रकाशित, जिसकी बुद्धि हो गई उस प्रकाश में जीवन के बारे में कहा गया, और उस प्रकाश को प्राप्त करने के बारे में कहा है जो आत्मा के प्रकाश से मनुष्य में एक परिवर्तन घटित कर देता है, उसके बारे में भी कहा गया। सब धर्मों में इसकी चर्चा है, नहीं तो सवेरे उठे तुलसी को पानी दिया, फिर अपने बदन पे पानी ले लिया, कोई मुझे छुए नहीं, चले गए, उसके बाद नहा लिया धो लिया, भगवान के पास बैठ के घंटी बजाई, ये धर्म बाहर रह गया, अंदर नहीं। नमाज पढ़ी, बाइबल पढ़ा, सारा धर्म बाहर रह गया। अंदर आने के लिए वो धर्म अंदर से खालिस होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा। अंदर सब कुछ भरा हुआ है तो धर्म आके बैठेगा कहाँ, उसकी सफाई होनी चाहिए। और आज मैं रशियन अम्बेसडर से मिलने गई थी, वो इतने अभिभूत थे, बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने रशिया में इतना कार्य किया, अपनी गवर्नमेंट को तो ये समझ में आएगी उनके बस का नहीं। पर उन्होंने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि आप जो भी आप मदद चाहे हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग स्वच्छ हो जाए, इनका हृदय स्वच्छ हो जाए। तो सहयोग में आने के बाद हर बार देखना चाहिए कि हमारा हृदय स्वच्छ हुआ कि नहीं, कि अब भी उसमें आसपास की ईर्ष्या, आसपास का दोष, यही सब घुमड़ रहा है। इस दिल को जब आप साफ करेंगे तभी तो ना परमात्मा का प्रेम इसमें भरेगा। तो ऐसी कुछ अजीब चीज है कि सहयोग में आने के बाद भी हम इसमें प्रयत्नशील नहीं रहते। एक आदमी दूसरे की बुराई देखेगा या किसी न किसी तरह से स्पर्धा में, कंपटीशन में पड़ जाए और इस स्पर्धाशील स्वभाव के कारण वो दूसरे से हमेशा अलग ही रहेगा, किंतु अगर अच्छाई में स्पर्धा शुरू हो जाए, अच्छाई में, तो सबकी अच्छाई बढ़ जाएगी और सब चीज ठीक हो जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।